उपस्थित इस विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति जिनके स्नेह के कारण आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, प्रोफेसर योगेश सिंह जी, प्रो वाइस चांसलर्स दोनों, कुल सचिव, अन्य आचार्यगण यहाँ पर और भारत माता के प्यारे सपूतों, बहनों और भाइयों, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मेरे विवाह की बात की तो बहुत लोगों ने ताली बजाई। मैं ध्यान से देख रहा था कौन कौन ताली बजा रहा है, पकड़ूंगा उसको जो जो ताली बजा रहा था। एपीजे अब्दुल कलाम साहब को एक बार एक पत्रकार ने पूछा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने शादी क्यों नहीं की, जीवन भर अविवाहित रहे, ऐसा लोग कहते कि अविवाहित लोग ही ज़्यादा कुछ काम कर पाते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम को पूछा कि आपने विवाह क्यों नहीं किया, तो उन्होंने उत्तर दिया कि समय ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला, काम करने में इतना व्यस्त रहा कि शादी के लिए समय ही नहीं मिला। मेरा ऐसा नहीं हुआ, मैंने अपने जीवन में बहुत पहले कुछ निर्णय किए हैं। पांचवी छठी में एक निर्णय किया, क्या करना है तब पता नहीं था लेकिन क्या नहीं करना पता चल गया था। तो पांचवी छठी में मैंने निर्णय लिया कि नौकरी नहीं करूंगा, गुलामी नहीं करूंगा किसी की, तो पढ़ाई ऐसी करूंगा कि जिस पढ़ाई में नौकरी ना करनी पड़े। और इसलिए 12वीं तक विज्ञान का विद्यार्थी था, साइंस पढ़ा, उसके बावजूद 12वीं में मस्ती करी, अच्छे अंक नहीं आए। उस समय एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती थी, माता पिता की इच्छा थी कि डॉक्टर बनूं, लेकिन मुझे ऐसे अंक नहीं आए कि डॉक्टरी में मुझे प्रवेश मिले। तो मैंने कहा कि दूसरा जो चुनना है वो विषय ऐसा ही चुनूंगा कि जिस विषय से मुझे नौकरी न करनी पड़े, इसलिए LLB किया। बहुत सीधी सी बात, जीवन में क्या नहीं करना बहुत पहले तय हो गया था, और उसी में से दूसरा निर्णय, पहला हुआ नौकरी नहीं करना और दूसरा सोचा समझा हुआ निर्णय जीवन में कि विवाह नहीं करना। सो इट इज नॉट एन एक्सीडेंट, या समय नहीं मिला इसलिए शादी की नहीं की, ऐसा नहीं, शादी नहीं करना है तय करके शादी नहीं की। उसके क्यों पे अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि विषय मेरे बारे में बोलने का नहीं है, वास्तविकता में विषय आपके बारे में बोलने का है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब योगेश सिंह जी ने तुलना करते हुए कहा कि जब IIT वाले मोटिवेट होते हैं तो DTE वाले तो होंगे ही। मैं इस बात से पूर्ण सहमत इसलिए हूं क्योंकि मैं IIT वालों के साथ में बहुत संपर्क रहा है, और उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि भले ही एंट्रेंस एग्जाम में वो अव्वल आए हो, वो देश की सर्वोच्च प्रतिभा है, ऐसा मेरा अनुभव नहीं। मैं उदाहरण बताता हूं, आज इसरो इतना चमत्कार कर रहा है, सबसे कम समय में, सबसे कम खर्चे में हमने मंगलयान भेज दिया, एक यान से 104 उपग्रह छोड़ दिए जो दुनिया में बहुत कम देश कर पाए, नहीं कोई नहीं कर पाया, पहली बार भारत ने किया। मुझे बताइए इसरो में कितने IIT वाले जाते हैं? नहीं जाते। IIT वाले तो ज्यादातर विदेश जाते हैं, फिर कुछ बच जाए तो विदेशी कंपनियों में गुलामी करते हैं, नौकरी करते हैं, फिर उसके बाद में इतना 40-40 लाख रुपए देश का एक एक विद्यार्थी पर खर्च करने के बाद में उस डिग्री का और उस टेक्नोलॉजी के अध्ययन का कोई उपयोग किए बिना IAS की परीक्षा देते, UPSC या ढेरों UPSC की तैयारी कर रहे हैं IIT करने के बाद में, और चूंकि प्रतिष्ठा है उसकी इसलिए जाते हैं। नौकरी, गुलामी की प्रतिष्ठा जिस देश में हो जाए वो देश स्वतंत्र कैसे हो सकता है? जिस देश में नौकरी प्रतिष्ठित हो जाए, मैं आपके सामने प्रश्न छोड़ रहा हूं, जिस देश में नौकरी प्रतिष्ठित है, तुलसीदास जी लिख करके गए इस देश की जीवन दृष्टि क्या थी, आज हम जीवन दृष्टि पर बात करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए। इस देश की वैज्ञानिक जीवन दृष्टि देखिए, तुलसीदास जी लिख करके गए उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार, अधम चाकरी, भीख मरण समान, आजीविका के चार साधन। उन्होंने कहा उत्तम कृषि, क्यों कहा उत्तम कृषि? क्योंकि प्रोडक्शन केवल किसान ही करता है, एक बीज बो करके उस एक बीज से हजारों बीजों वाली बाली का उत्पादन, एक के हजार करने का काम केवल और केवल किसान करता है, बाकी सारे तो उसका कन्वर्शन करते हैं, बाकी सारा जितना प्रोडक्शन के नाम पर होता है वो तो केवल किसान ने उत्पादित किए हुए चीजों का रूपांतरण करके उसको मार्केटेबल बना करके बेचना होता है।
वास्तविकता में देने का काम, उत्पादन करने का, कंट्रीब्यूशन करने का, कुछ बढ़ाने का काम तो केवल किसान करता है, इसलिए कहा उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार, फिर उसका ट्रेडिंग करता है वो मध्यम, अधम चाकरी। और आज क्या हो गया, आज पैकेज नौकरी ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। मैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाता हूं और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के संस्था चालक और डायरेक्टर और ये सब लोग मुझे बताते हैं, हमारे कॉलेज में से इतने बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, इतने वहां चले गए, इतने वहां चले गए। मैं उनको पूछता हूं, इतने सारे नौकर तो पैदा कर दिए, इंजीनियर कितने पैदा किए, किसने नया इंजन बनाया, किसने कुछ नई तकनीक बनाई, किसने नया पेटेंट लिया, किसने नया इनोवेशन किया, किसने नया जुगाड़ किया। बिना पढ़ा लिखा किसान जुगाड़ कर लेता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद यदि इंजीनियर जुगाड़ नहीं कर सके तो वो इंजीनियर है क्या। इसलिए नौकरी को प्रतिष्ठा मिल गई, इसलिए देश स्वतंत्र नहीं हुआ। मैकॉले यही करना चाहता था, उसने लिखा है अपने पिता को कि नौकरी की प्रतिष्ठा बढ़ाऊंगा मैं, नौकर पैदा करने वाली शिक्षा इस देश में मैं दूंगा। और वो सफल रहा, आज भी है। आज भी मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों के क्या सपने हैं, लेकिन आप अपने आप के अंदर जाकर के अपने आप को पूछिए कि अपने जीवन का स्वप्न क्या है। इसलिए बेस्ट ब्रेन इसरो में नहीं जा रहा है, टॉप प्रतिभा इसरो में नहीं जा रही, और फिर भी इसरो चमत्कार कर रहा है, तो फिर उसको टॉप प्रतिभा कहे या जो इसरो में जा रहे चौथे या पांचवें नंबर के उनको टॉप प्रतिभा कहे। प्रतिभा किसकी है, जो किसी दूसरे की नौकरी करके और वहां पर कुछ बताया जाए वो कर रहा है, टुकड़ों में करना पड़ता है। जो आपके आईटी में मित्र आपके सीनियर्स गए होंगे तो उनको पूछना, कोई कंपनी उनको पूरा प्रोग्रामिंग नहीं देती है, टुकड़ा देती है, पूरा दे देंगे तो अपनी नौकरी, अपनी अमेजोन में से निकल के तो फ्लिपकार्ट खोला ना, खुद का खोल लेंगे। इसलिए कोई कंपनी किसी नौकर को पूरी जानकारी नहीं देती है, टुकड़ों में काम करने को तैयार है, रिपीटेटिवली वही काम करने को तैयार है। आधे से ज्यादा लोगों को इसलिए जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होता, 35 की उम्र में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज हो जाता है, बाल उड़ जाते हैं। जितने सीईओ के आप, जितने गूगल और फेसबुक के सीईओ देखोगे ना, सब टकले देखोगे। और उसका कारण ये है, उसका कारण ये है कि जीवन में संतोष नहीं है, अंदर से कोई मिल नहीं रहा जो करने के लिए आए थे। इसलिए मैं आपके सामने कुछ प्रश्न छोड़ने के लिए आया हूं, वैज्ञानिक जीवन दृष्टि। मैं बहुत ज्यादा विज्ञान के बारे में बोलने के लिए नहीं आया, वो भी मैं बोल सकता हूं क्योंकि विज्ञान के नाम पर हम क्या कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हम कह रहे हैं कि बहुत वैज्ञानिक प्रगति कर ली, बहुत वैज्ञानिक प्रगति कर ली, लेकिन क्या हमने वैज्ञानिक प्रगति की है या तकनीकी प्रगति की है? साइंस और टेक्नोलॉजी में आप डिफ्रेंशिएट करते हैं या नहीं करते? आज आप सबके हाथ में मोबाइल है, ये मोबाइल साइंस है कि टेक्नोलॉजी है? और इसका इसके साइंस की खोज तो 19वीं शताब्दी के अंत में हो गई थी, जब जगदीश चंद्र बसु ने रेडियो वेव्स की खोज की थी, दैट इज द साइंस वायरलेस कम्युनिकेशन का। चाहे मार्कोनी का नाम ले लो, चाहे जगदीश चंद्र बसु का नाम ले लो, आज दुनिया मानती है कि जगदीश चंद्र बसु ने मार्कोनी से 2 साल पहले वो खोज कर ली थी। उस समय षड्यंत्रों के कारण नाम पेटेंट मार्कोनी के नाम हो गया, ये आज दुनिया मानती है, मैं नहीं। आप अभी गूगल करोगे, विकिपीडिया पे जाओगे तो आपको यह सत्य मिल जाएगा। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में वायरलेस कम्युनिकेशन की खोज हुई, उसके आगे कहां बढ़े? टेक्नोलॉजी में बढ़ गए। उस वायरलेस कम्युनिकेशन के विविध डिवाइस हमने बना लिए, लेकिन साइंस कहां आगे बढ़ा? उसी जगदीश चंद्र बसु ने यह सिद्ध किया कि वनस्पति में जीवन होता है, वनस्पति में प्राण होता है। आप साइंस के विद्यार्थी, आपने कभी अपने आप से मन में प्रश्न पूछा, ये तो फिजिक्स का आदमी था, इसने ये बॉटनी की खोज कैसे कर दी? फिजिक्स का व्यक्ति होते हुए बॉटनी की खोज कैसे कर दी, ये प्रश्न कभी पूछा? आज टेक्नोलॉजी में सुपर पावर के रूप में जिस कंपनी का नाम लिया जाता है और जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी में भी दुनिया में सबसे आगे, वो टेस्ला कंपनी, उसका जो फाउंडर है निकोला टेस्ला, उसका जीवनी कभी पढ़िए तो वह निकोला टेस्ला की जीवनी में आपको पता चलेगा कि जगदीश चंद्र बसु जो काम कर रहे थे वही काम निकोला टेस्ला करना चाह रहा था, करने नहीं दिया गया उसको। वहां पर बहुत विरोध हुआ, वो सारी लड़ाई आइंस्टाइन और टेस्ला की लड़ाई यदि आप पढ़ेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग रीड है वो। फिर आइंस्टाइन के भी सब विरोधी हो गए, क्योंकि नया साइंस कोई देता है तो उसका विरोध उस समय होता है। स्टिंग थ्योरी को आज सब लोग मान रहे हैं, उसको आइंस्टाइन ने जिस समय कहा तो उसको पागल कह दिया कि ये हो नहीं सकता, स्ट्रिंग थ्योरी कैसे हो सकती।
या तो वेव होगा या पार्टिकल होगा, ये दोनों का एक दूसरे का बदलने वाला कैसे होगा? इसमें साइंस कहाँ है, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ रही है। जगदीश चंद्र बसु ने वनस्पति में प्राण है ये सिद्ध किया, उसके लिए यंत्र बनाया और उस यंत्र को बना करके उन्होंने स्थापित कर दिया कि वनस्पति में प्राण है। केवल ये नहीं, निकोला टेस्ला के पेपर यदि आप पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी के अंत में, क्योंकि निकोला टेस्ला स्वामी विवेकानंद के साथ 7 दिन रहे थे, स्वामी विवेकानंद उनके साथ 7 दिन रहे क्योंकि स्वामी विवेकानंद वहां गए थे तब, और निकोला टेस्ला ने अपने पेपर में लिखा है कि स्वामी विवेकानंद से मैंने उपनिषद जब पढ़े और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया तो मुझे जीवन की तरफ देखने की एक नई दृष्टि मिली। उस समय जिस समय विज्ञान जड़ और चेतन को बिल्कुल अलग अलग रूप से देखता था, मैटर एंड एनर्जी को बिल्कुल अलग अलग रूप से देखता था, मैटर कैन बी कन्वर्टेड इंटू एनर्जी और एनर्जी का घनीभूत रूप ही जड़ है, यह अभी तक आइंस्टाइन ने सिद्ध नहीं किया था, आइंस्टाइन ने उसका E=mc² का फॉर्मूला नहीं दिया था, उस समय की बात है। और उस समय उपनिषद यह कह रहे कि कण कण में चेतन व्याप्त है, कण कण में ऊर्जा है, और उस समय नहीं हजारों वर्षों से कह रहे, और इस देश में उसको लेकर के काम हुआ, उसको लेकर के विज्ञान चला, लेकिन वो विज्ञान हमने छिपा दिया। स्वामी विवेकानंद ने निकोला टेस्ला को वो जीवन दृष्टि दी, निकोला टेस्ला ने वह साइंस दिया जिसका फॉर्मूला आइंस्टाइन ने आगे चल करके दिया। आइंस्टाइन ने अपने E=mc² वाले पेपर में निकोला टेस्ला को क्रेडिट दिया है उस बात के लिए कि यह थ्योरी पहले निकोला टेस्ला ने दी थी, और निकोला टेस्ला ने क्रेडिट विवेकानंद को दिया है, उपनिषद को दिया है। जगदीश चंद्र बसु स्वामी विवेकानंद के साथ 15 दिन रहे थे सन 1900 में, एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी के टर्न पे, जब पेरिस के अंदर विश्व विज्ञान परिषद हुई थी, वर्ल्ड साइंस कांग्रेस हुई थी, और उस वर्ल्ड साइंस कांग्रेस का कीनोट एड्रेस स्वामी विवेकानंद ने दिया था। स्वामी विवेकानंद वॉज इन्वाइटेड टू गिव द कीनोट एड्रेस ऑफ वर्ल्ड साइंस कांग्रेस, और उसमें उन्होंने ये जड़ और चेतन के एकत्व की बात रखी थी आइंस्टाइन द्वारा E=mc² देने के लगभग 10-11 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद ने, और लगभग उपनिषद का एक श्लोक उन्होंने बोला था जो लगभग यही बात कहता है, जिसमें वो उपनिषद का ऋषि कह रहा है कि किसी भी वस्तु को यदि आप प्रकाश की गति से प्रक्षेपित करने में सफल हो जाते हो तो वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। दिस इज E=mc², क्योंकि सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जगदीश चंद्र बसु ने इस पर काम किया और उन्होंने कहा जब सारे विश्व में चेतन तत्व है, ऊर्जा है, तो इसको मैं सिद्ध करता हूं। तो उन्होंने प्राणियों में तो मान ही रहे थे, वनस्पति में मान नहीं रहे थे, तो वनस्पति का सिद्ध कर दिया। हिज नेक्स्ट स्टेज वॉज ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ प्रूविंग कि मेटल्स में भी जीवन होता है, धातुओं में जीवन होता है। आज आप जगदीश चंद्र बसु के नाम से सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, या मेटल फटिक के नाम से, धातुओं की थकान के नाम से गूगल करेंगे तो जगदीश चंद्र बसु का पेपर आपको मिलेगा, ओपन सोर्स में अवेलेबल है, उसको पढ़िएगा। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि जैसे मनुष्य की बैटरी डाउन होने से वो थकता है, वैसे किसी भी धातु के जीवन में भी थकान आती है, और उस थकान के कारण उन्होंने बताए थे। और ये उनकी पहली स्टेप थी जिसमें वो धातुओं में प्राण को सिद्ध करने जा रहे थे। सारा विज्ञान बदल जाएगा यदि ये काम पूरा हो गया तो, लेकिन 108 वर्ष हो गए, जगदीश चंद्र बसु का विज्ञान वहीं पर रुका हुआ है। उनका नेक्स्ट प्रयोग था जगदीश चंद्र बसु का कि उन्होंने मेटल के ऊपर विष का प्रयोग होता है यह बात सिद्ध की, इफेक्ट ऑफ साइनाइड ऑन फेरस, यह उनका रॉयल ब्रिटिश सोसाइटी लंदन में प्रस्तुत किया गया पेपर है जिसमें उन्होंने प्रैक्टिकली यह प्रूव किया। उन्होंने एक लोहे की रॉड ली और उस लोहे के रॉड के कोने में एक तार लगा करके उसके एंड में निब लगाई, एक ग्राफ पेपर को चार्ट के ऊपर खड़ा किया, वो निब को ग्राफ पेपर के ऊपर रखा और उन्होंने कहा कि इस रॉड के ऊपर मैं साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड डालूंगा तो ये रॉड थर थर कांपेगी, और उस ग्राफ पेपर के ऊपर उस निब से और ग्राफ बनेगा जैसा कि आपका ECG बनता है। मेटल का ECG बनाने का यंत्र उन्होंने बहुत जुगाड़ टेक्नोलॉजी से, बहुत सिंपल सा, नॉट वेरी सोफेस्टिकेटेड, जगदीश चंद्र बसु ने बनाया। रॉयल सोसाइटी लंदन में उसका प्रस्तुति की, जिस समय उन्होंने वो साइनाइड डाला, जो बोतल उनको दी गई थी साइनाइड के नाम से, उसके अंदर से साइनाइड की 2 बूंदे 3 बूंदे डाली, नथिंग हैपेंड, और ऐसे खचाखच भरी हुई सभा में जहां सारे वैज्ञानिक दुनिया के बैठे हैं,
यूरोप के ज्यादातर वैज्ञानिक वो सब हंसने लगे कि क्या मजाक करते हो, धातुओं में कोई प्राण होता है क्या, धातुओं को कोई भय होता है क्या, धातु कोई डर सकता है क्या, लोहा किसी से डरेगा क्या, साइनाइड डालने से लोहे को क्या पता चलेगा कि यह विष है। जगदीश चंद्र बसु का कॉन्फिडेंस देखिए, दिस इज साइंस। जब आपने जीवन में प्रयोग करके निर्णय लिए होते हैं, जब आपके निर्णय तुक्केबाजी में नहीं होते, जब आपके निर्णय किसी दोस्त ने कह दिया इसलिए नहीं होते, जब आप अपने निर्णयों को पूरी तरह से नाप करके वैज्ञानिक जीवन दृष्टि से लेते हो, तब वो आत्मविश्वास आता है। जगदीश चंद्र बसु ने जैसे वो कुछ नहीं हुआ ग्राफ के ऊपर और लोग हंसे, जगदीश चंद्र बसु ने उस पोटेशियम साइनाइड लिखी हुई बोतल के अंदर रखे हुए द्रव को, लिक्विड को, सबके सामने पी लिया। एवरीबडी स्टॉप्ड एकदम, ये क्या हो गया? पोटेशियम साइनाइड जो टच करने से मर जाता है आदमी, और ये पूरा पी गए, नथिंग हैपेंड। उन्होंने कहा यदि इसका लोहे पे असर नहीं हुआ तो इट कैन नॉट बी साइनाइड, क्योंकि लोहे पे असर होता है, ये मैंने देखा है। जिसने बदल करवाया था, जिसने षड्यंत्र से पानी रखवाया था उस बोतल में, उसने आकर के, उस प्यून ने आकर के माफी मांगी, साइनाइड मांगा गया, सबके सामने साइनाइड डाला गया और वो मेटल वहां पर कांपा और मेटल के ऊपर साइनाइड का असर होता है, ये बात जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध की। और ये सिद्ध करने के 6 महीने के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। ये बात मैं 1911 के आसपास की बता रहा हूं। आज 106 वर्ष में साइंस कहां है? Have we moved even an inch forward? ये सिद्ध करने में कि धातुओं में प्राण होता है, जबकि इस देश में यह सिद्ध हो गया है कि पत्थर में प्राण होता है। मैं कन्याकुमारी में था, 22 वर्ष मैंने विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के पूर्णकालिक के रूप में काम किया। कन्याकुमारी में वो भव्य विवेकानंद शिला स्मारक बनाया, आप लोग में से जो लोग नहीं भी गए होंगे टीवी पर देखा होगा, स्वामी विवेकानंद का भव्य मंदिर है जहां पर बैठ करके उनको अपने जीवन का लक्ष्य मिला था। उसको बनाने वाले स्थपति आचार्य जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्ट थे, वो कन्याकुमारी में एक कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में मैंने उनको बुलाया। वो तमिल के अलावा एक शब्द नहीं जानते थे, कोई तमिल के अलावा कोई भाषा नहीं बोल सकते थे, अंग्रेजी का भी एक शब्द नहीं होता। इसलिए जैसे अभी आपकी स्थिति हुई होगी ना, जब योगेश सिंह जी ने मेरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बताया, जब उन्होंने 29,973 बोला तो आधे लोगों को तो समझ में ही नहीं आया होगा, सर आपको 29,973 बताना चाहिए था, आंकड़े तो हिंदी में नहीं पता चलते भले ही मातृभाषा हिंदी हो, है ना? ये दुर्भाग्य है हमारा, हमने अपने आप से कभी पूछा नहीं, जिसको माँ कहते उस माँ नाम की भाषा का हमने क्या कर दिया। 69 बताओ तो बच्चा पूछता है क्या, 69 बताओ तो हाँ ऐसे बताओ ना हिंदी में। वो स्थपति आचार्य, उसको तमिल के अलावा एक शब्द नहीं आता, और मेरे को तमिल के 20-25-50 शब्द आते होंगे, कन्याकुमारी में रहते रहते समझ लेता हूं। तमिल नहीं आता बताने लायक, तमिल आता है मुझे बोलना, कि सामने वाले को यह बता दूं कि तमिल तेरी याद नहीं समझ में आती, इतना तो समझा दूं उसको, बाकी समझ में आ जाती, सुनने से सारी भारतीय भाषाएं समझ में आती, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की नहीं संस्कृत की कृपा है। बचपन में संस्कृत सीखा तो दुनिया की कोई भी भाषा सीख सकते, वो भी एक विज्ञान है, वाणी का विज्ञान है, वाणी की शुद्धि का विज्ञान है, और उसको आज हम भूलते जा रहे, हमारे घरों में से भूलते जा रहे, जिन परिवारों में है उन परिवारों में, इसलिए हमको कोई भी भाषा, एक भाषा ढंग से नहीं आती, किसी एक भाषा में 4 वाक्य के बिना किसी दूसरी भाषा का प्रयोग करे लिखने को कहो तो हम नहीं लिख सकते, हमको अंग्रेजी में हिंदी के शब्द चाहिए, हिंदी में अंग्रेजी के शब्द चाहिए, हम एक भाषा में पूरा नहीं बोल सकते, एक भाषा में पूरा नहीं लिख सकते। उसका भी विज्ञान है, जर्मनी में उसके ऊपर बड़ा शोध हो रहा है। खैर, मैं विषय परिवर्तन में नहीं जा रहा हूं, मैं आपके सामने प्रश्न पूछ रहा हूं कि वनस्पति में प्राण के आगे मेटल में प्राण, उसके आगे पत्थर में प्राण तक जाने का जो प्लान ऑफ एक्शन जगदीश चंद्र बसु के रूप मन में था, वो कहां चला गया? वो विज्ञान कहां चला गया? वो क्यों नहीं आगे बढ़ा? क्यों नहीं हम में से कोई उसके ऊपर काम करने को तैयार? क्योंकि क्या मिलेगा, क्या पाऊंगा, और क्या मिलेगा, ये यदि मन में प्रश्न है तो उस प्रश्न को भी ढंग से पूछ लेते। स्थपति के आचार्य के साथ मैं बैठा था, चर्चा चल रही थी, कन्याकुमारी के लाइब्रेरी के बाहर हम बैठे थे, वहां एक लाल पत्थर में, लाल ग्रेनाइट में सिंह की आधी बनी हुई मूर्ति पड़ी हुई है, पूरी नहीं हुई, आधी तराशी हुई है, आधे में सिंह है, आधा ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने स्थपति को पूछा, ये तो इतनी सुंदर तराशी गई, जिसने भी सिंह बनाया बहुत सुंदर भाव आ रहे चेहरे पे, इसको आधे में क्यों छोड़ दिया?
स्थपति ने उठे और कहा कि एक मिनट बताता हूँ, और जाकर के उसने, जैसे हम वैद्य लोग नाड़ी परीक्षा करते हैं या डॉक्टर आपकी नाड़ी पकड़ करके या स्टेथोस्कोप से परीक्षा करता है, वैसे उस पत्थर के सिया से 1.5 इंच दूर हाथ रख करके उसने नाड़ी परीक्षा की। और नाड़ी परीक्षा करके फिर उन्होंने मुझे बताया कि अब मुझे पता चला क्यों नहीं हुआ, तमिल में बोल रहे थे वो, और उन्होंने बताया कि ये इसलिए नहीं बना सिंह क्योंकि ये स्त्रीलिंगी पत्थर है जिसमें से पुल्लिंगी मूर्ति बनाने की कोशिश की गई। मैंने कहा पत्थर का भी लिंग होता है, पत्थर का भी जेंडर होता है। तो जब ये मैंने प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा 12 साल की आयु में जब अपने बच्चों को स्थापत्य शास्त्र की दीक्षा देते हैं तो पहला काम यही सिखाते हैं कि पत्थर के प्राणों को पहचानना। केवल स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, केवल ये तीन ही जेंडर ही नहीं होते हैं, केवल इतना ही नहीं होता तो उसमें सत्व रज तम के अनुसार प्राण के अलग अलग गुण भी होते हैं। देवता की मूर्ति के लिए जो पत्थर चुना जाए और राक्षस की मूर्ति के लिए जो पत्थर चुना जाए वो दोनों पुल्लिंगी भी हुए तो भी एक समान नहीं हो सकते, क्योंकि देवता के लिए सात्विक पत्थर चुनना पड़ता है और राक्षस के लिए तामसिक चुनना पड़ता है। मैंने कहा ये कैसे पता करते? उन्होंने 15 मिनट में वो विज्ञान मुझे सिखाया। आज मैं पत्थर को हाथ लगा करके उसका जेंडर समझने जितना सीख गया हूँ प्राण विद्या को। ये जगदीश चंद्र बसु के काम को इस देश में हजारों साल पहले नहीं, आज भी हो रहा है, यह बताने के लिए मैं बता रहा हूं। लेकिन वेयर इज अवर साइंस? क्यों? क्योंकि जीवन के प्रति हमारी दृष्टि साइंटिफिक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है। एंड आई एम गोइंग टू प्रूव इट आपके सामने। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि आपने आपके सपने क्या है। युवा तो वही होता है ना जो सपने देखता है। मैंने हिंदी में क्यों बोला, मेरे को अंग्रेजी नहीं आती इसलिए नहीं, अंग्रेजी तो आती है, मैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का सेक्रेटरी था, वहां तो अंग्रेजी की टांग तोड़नी पड़ती थी और बड़े प्रेम से तोड़ते थे, दूसरे की माँ है टांग तोड़ने में क्या जाता है, अपनी माँ की नहीं तोड़नी चाहिए। इसलिए अंग्रेजी बोलने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं अंग्रेजी की टांग बहुत अच्छे से तोड़ सकता था आपके सामने। लेकिन मैंने हिंदी में क्यों बोला, तो हमारे जबलपुर में मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर थे DP लोकवानी जी, उन्होंने एक बार भरी सभा में हिंदी में बात की, जब सारे वाइस चांसलर्स की मीटिंग चल रही थी और सब कंठ लंगोट लगाए हुए अंग्रेजी फाड़ झाड़ रहे थे। हाँ, समझ में आ गया ना? कंठ लंगोट लगाए सब अंग्रेजी, इंप्रेशन मारने के लिए और कोई कारण नहीं। भरी गर्मी में दिल्ली के माहौल में बंद यहां तक बटन लगा करके ऊपर से गठान बांधना, कोई समझदार व्यक्ति तो नहीं करेगा, कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट का व्यक्ति तो नहीं करेगा, वो तो अपने आप से प्रश्न पूछेगा, भाई मैं क्या पहनूं, इस वायु के अनुकूल है वही पहनूं, जलवायु के अनुकूल कपड़े पहनने किस लिए? कपड़ों के इंप्रेशन यदि मारना है तो 4 लोगों जैसे कपड़े पहन करके कहां से इंप्रेशन मारोगे, सब एक जैसे, सारे के सारे वही नीले रंग की बोरिया पहने हुए, मेरे को समझ में नहीं आता कि क्यों पहनते हैं। साइंटिफिक आउटलुक है क्या? प्रश्न अपने आप से पूछा क्या कभी कि मैं क्यों पूछ रहा हूं, कोई क्यों पहन रहा है, कोई दूसरा पहनता है इसलिए मैं पहन रहा हूं। जबकि आपको तो लोग जानेंगे तब जब आप कुछ अनोखा करोगे, लोगों से हटके करोगे। इसलिए मैं जब कुर्ता पैजामा या धोती कुर्ता पहन करके जाता हूं तो लोग टकटकी लगा करके देखते क्योंकि मैं सबसे अलग होता हूं। इसलिए सारी फैशन तो अलग होने के लिए करते हो, लेकिन बनते तो सब एक दूसरे जैसे बंदर, एक की पूछ कटी तो सबने पूछ कटा ली, है ना, इधर लगा ली पूछ, ऊपर से मूछ साफ और नीचे पूछ लगा ली, भैया क्यों किया ऐसा? नहीं, वो किसी ने किया है, किसी फिल्मी हीरो ने किया इसलिए हमने भी कर लिया। अरे थोड़ा खुद का तो इस्तेमाल कर लेते, थोड़ा शीशा तो देख लेते, लेकिन सपने देखते हो ना। तो DP लोकवानी जी ने, आप बड़े बहादुर लोग हो, केवल अविवाहित होने पर ताली बजाई तब इनकी बहादुरी पता चली मुझे। लेकिन अब तो मैं आपकी गलती बता रहा हूं फिर भी आप ताली बजा रहे हो, इससे बड़े बहादुर तो कोई नहीं हो सकते। जो खुद की गलती पर ताली बजाए उससे बड़ा वीर कोई नहीं दुनिया में। लेकिन मैं आपके सामने जो प्रश्न पूछ रहा था वो सपनों से था। तो DP लोकवानी जी ने उस भरी सभा में वाइस चांसलर के सामने हिंदी में बात की और शुरुआत यहां से की। मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं
क्योंकि मैं उस भाषा में बोलना पसंद करता हूं जिस भाषा में सपने देखता हूं। मुझे उनकी वो बात बहुत पसंद आई। मैं आपसे सपनों की बात करने के लिए खड़ा हूं, इसलिए मैंने सपनों की भाषा चुनी। मेरी मातृभाषा मराठी है, लेकिन मेरी सोच हिंदी में, क्योंकि 22 वर्षों से हिंदी भाषी क्षेत्र में हूं। मैं मूलतः लेखन हिंदी में करता हूं, मराठी में मेरी जो किताब है वो हिंदी का अनुवाद मराठी में होकर के छपी है, जबकि मराठी मेरी मातृभाषा है। मैं सोचता हिंदी में हूं, इसलिए बोलता हिंदी में हूं। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा था, युवा है तो सपने तो देखते ही है। घबराओ मत, मैं नहीं पूछूंगा क्या सपने देखते हो, ना ही सबके सामने बताने को कहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत से सपने आपके ऐसे होंगे जो आप बता ना पाओगे, लेकिन मैं उन सपनों की बात ही नहीं कर रहा। मैं उन सपनों की बात कर रहा हूं जो आपका पीछा सुबह उठने के बाद भी नहीं छोड़ते। स्वामी विवेकानंद ने परिभाषा की थी जिसको एपीजे अब्दुल कलाम बार बार कोट किया करते थे, कि मैं सपने उन्हें नहीं कहता जो नींद में देखे जाते हैं, मैं सपने तो उन्हें कहता हूं जो नींद उड़ा देते हैं, जिन सपनों के पीछे चलने से नींद उड़ जाती है, नींद खो देता है आदमी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपका सर्वोच्च स्वप्न क्या है। मैं युवाओं के सामने ऐसी इस प्रकार से इस प्रश्न को लगता हूं कि देयर इज नो लिमिटेशन ऑन एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेस, असीम संसाधन आपके सामने उपलब्ध है। मान लीजिए, कल्पना करने में क्या जाता है, सपने में कंजूसी काहे करनी। मान लीजिए अंबानी ने अपना खजाना आपके लिए खोल दिया, अनलिमिटेड रिसोर्सेस आपके पास है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, कोई चिंता का कोई कारण नहीं आपके जीवन में, असीम संसाधन आपको सामने उपलब्ध करा दिए जाए, तो वो कौन सी एक बात होगी जिसको आप करना चाहेंगे? क्योंकि बाकी तो सब मजबूरी में कर रहे हैं, बाकी तो कहते हैं मजबूरी में कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी नहीं लगेगी तो पेट कैसे भरेंगे, तो वो तो सारी चिंता मैंने सपने में खत्म कर दी। वो सारी चिंता यदि खत्म हो जाए तो कौन सी एक बात है आप करोगे? सोचा है कभी आपने? नहीं सोचा हो तो आज जाकर के डायरी में लिखना, सोचना। चार बातें आएंगी, एक नहीं आएगी, क्योंकि सोचा ही नहीं है। सोचा होता तो एक आती, आज तक सोचा ही नहीं है। आज तक जीवन केवल मजबूरी में ही जीते रहे, जो दूसरे कहते रहे वो करते रहे, अपने मन को पूछा नहीं कि करना क्या है। अगर मन को पूछ करके करते तो चेतन भगत आईआईटी में एडमिशन थोड़ी लेता, इंग्लिश लिटरेचर में एमए करता, और इंग्लिश लिटरेचर में एमए करता तो शायद ढंग की इंग्लिश लिख भी लेता। पर सब साथी जा रहे तो वो भी पागलपन में चला गया, और बाद में उसके बाद में उसको किसी ने बता दिया केवल इंजीनियरिंग से आजकल नौकरी नहीं लगती भाई, उसके बाद एमबीए कर लो। तो एमबीए भी कर लिया। लोग मुझे कहते हैं आज की दुनिया पैसे के पीछे पागल है। आपको भी लगता होगा, आप भी स्वयं को मानते होंगे कि मेरा सपना है बहुत पैसा कमाऊं। अगर आपका यह सपना है तो मैं आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं, फिर आप बड़े पैकेज की नौकरी क्यों ढूंढ रहे हैं? आज व्यक्ति 4 साल इंजीनियरिंग में बर्बाद करता है, माता पिता नहीं आगे चल करके इंजीनियरिंग का उपयोग नहीं करता, इसलिए कह रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। आगे चल के कोई बताता है इंजीनियरिंग करने के बाद में नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए एमबीए करता है, उसमें मार्केटिंग लेता है, और उसके बाद में दूसरों की बनाई चीजें बेचता है। 4 साल किसी प्राइवेट में, आप तो सुखी हो डीटीयू में आ गए, प्राइवेट में जाते तो माँ बाप के 5-6 लाख तो बर्बाद कर ही देता मिनिमम, 6-7 लाख। फिर यहां भी करते हो, ठीक है बहुत बढ़िया, तो मेरी बात सिद्ध हो गई और अब आप अच्छे से समझ जाओगे इस बात को। उसके बाद 2 साल का एमबीए करने में और 4-6 लाख, तो 10-12 लाख का वेस्टेज, इन्वेस्टमेंट नहीं, 10-12 लाख का वेस्टेज करने के बाद में उसको नौकरी लगती है रिलायंस फ्रेश में कंठ लंगोट लगा करके सब्जी बेचने की। एमबीए वाला बेचता है, दिल्ली में 13,000 की स्टार्टिंग मिलती है रिलायंस फ्रेश में, मैं बता देता हूं, मेरा मार्केट सर्वे, और गाजियाबाद चलो जाओगे तो 9,000 मिलेगा। छोटे शहरों में 9,000, बड़े शहरों में 13,000 की स्टार्टिंग देता है इंजीनियरिंग एमबीए कर रहे हुए सब्जी वाले को रिलायंस। इंजीनियरिंग एमबीए के वाला सब्जी वाला, और आप अपने घर के बाहर जहां भी आप रहते हो
वहां बाहर रेडी पे ठेले पर जो सब्जी बेचने के लिए आता है उसको कभी बैठ करके उसको प्रश्न पूछना कि ये ठेला तेरा खुद का है या किराए से, किराए का है तो कितना किराया देता है, खुद का है तो कितने में खरीदा था, उसका बैंक का इंटरेस्ट निकाल लेना, सुबह कितने की सब्जी खरीदता है थोक के भाव से वो पूछ लेना, शाम तक कितनी बेच देता है, कितना वेस्टेज होता है, कितनी फेंकनी पड़ती है, कितनी, सारा निकाल करके उसका नेट प्रॉफिट निकालना। मैंने किया है इसलिए बता रहा हूं। मिनिमम दिल्ली जैसे शहर में मिनिमम 1.5 से 2 हजार रुपए प्रतिदिन का नेट प्रॉफिट, सारे खर्चे छोड़ करके आपके घर के बाहर रेडी पे सब्जी बेचने वाला, सब्जी वाला अपने मन का मालिक, आज मूड नहीं है आज नहीं जाता हूं बोल सकता है। रिलायंस फ्रेश के सब्जी वाले को नहीं मिलेगी छुट्टी, खुद के शादी के लिए भी 7 दिन से ज्यादा नहीं मिलेगी छुट्टी, और उसमें भी 4 बार प्रश्न पूछेंगे। हमारे एक मित्र ने बेंगलोर से IBM की नौकरी छोड़ दी, बिहारी था, बिहार में तो शादी महीना भर चलती है, नहीं पता जो बिहार के होंगे उनको पता है, कम से कम महीना भर तो चलती है शादी, है ना। और उसने जब अपने IBM के बॉस को लिखा कि शादी के लिए 7 दिन की छुट्टी चाहिए, महीने भर तो मांगने की हिम्मत ही नहीं, वो अमेरिका में बैठे हुए बॉस को समझ में नहीं आ रहा शादी इतनी क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने तो 4 बार कर ली, चारों मिलाकर के 1 दिन नहीं लगा, ये एक शादी के लिए 7 दिन क्यों मांग रहा है। उसने कहा 3 दिन से ज्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी। इसने अपने पिताजी को फोन किया, बॉस कह रहा है 3 दिन से ज्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी। पिताजी ने कहा मार लात मार ऐसी नौकरी को, वापस आ जा, अपना खेत बहुत बड़ा है जोत लेंगे। तो IIT किसान है, वन ऑफ द बेस्ट फार्मर आई हैव एवर सीन, सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इतनी बढ़िया फार्मिंग करता है, IBM को लात मार करके आ गया क्योंकि शादी के लिए छुट्टी नहीं थी। ये आपके घर के बाहर वाला सब्जी वाला, उसको छुट्टी की चिंता नहीं, चाहे जब छुट्टी ले ले, और उसके बावजूद महीने में 20-25 दिन भी उसने मेहनत कर ली तो 35 से 40 हजार रुपए कमाता है। पैसे के पीछे कौन है, जिसने 12-13 हजार को चूना लगा करके 12-13 लाख को चूना लगा करके 13 हजार की नौकरी करी, या जिसने मात्र 5-6 हजार का इन्वेस्टमेंट करके प्रतिदिन 1.5 हजार रुपए कमा रहा है, कौन ज्यादा ज्यादा बुद्धिमान, किसकी वैज्ञानिक दृष्टि ज्यादा है, मैं आपके सामने प्रश्न पूछ रहा हूं। पर यदि आपको अपने बहन के लिए वर ढूंढना हो, यदि आपको अपने बेटी की शादी करनी हो, तो आपको 40 हजार रुपए कमाने वाला सब्जी वाला नहीं चलेगा, आपको 13 हजार रुपए में सब्जी बेचने वाला MBA सब्जी वाला चलेगा, क्योंकि नौकरी की प्रतिष्ठा है, स्वरोजगार की प्रतिष्ठा नहीं। यह देश उस दिन स्वतंत्र होगा जिस दिन कलेक्टर से ज्यादा सम्मान सब्जी बेचने वाले को मिलेगा, क्योंकि वो स्वतंत्र है, किसी का गुलाम नहीं है, और कलेक्टर क्यों ना हुआ है तो गुलाम आखिर। जिस दिन स्वतंत्र को प्रतिष्ठा मिलेगी उस दिन देश सच्चे अर्थ में स्वतंत्र होगा। मैं आपके सपनों को पूछ रहा हूं, मैं आपके सपनों को दिशा देने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि मैं चाहूं तो भी दे नहीं सकता। आपके सपने आपको ही गढ़ने पड़ेंगे, कोई और व्यक्ति आपके सपनों को डायरेक्ट नहीं कर सकता, उस फिल्म के डायरेक्टर आप ही हो। वो सपने क्या है मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, एंड दैट विल चेंज योर लाइफ, दैट विल गिव द साइंटिफिक टर्न टू योर आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। जीवन की दृष्टि वैज्ञानिक बन जाएगी जब आप अपने आप से प्रश्न पूछना शुरू करोगे, दूसरे से नहीं, दूसरे से तो खूब पूछते हैं। पहली लड़ाई हो जाए, मान लो यहां से बाहर गए और साइकिल स्टैंड में आपकी स्कूटर को या आपकी साइकिल को दूसरे का धक्का लग गया, तो उससे लड़ाई हो जाए, तो पहला प्रश्न, किसी भी लड़ाई में, सड़क पे लड़ाई हो जाए, हॉस्टल में हो जाए, कहीं भी लड़ाई हो जाए, क्लासरूम में, पहला प्रश्न आप दूसरे को पूछते कमर पे हाथ रख करके, अपने आप को समझता क्या है, पूछते हो कि नहीं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, पूछते हो ना दूसरे को। और दूसरा प्रश्न होता है, तू मुझे जानता नहीं है बॉस, तू मुझे जानता नहीं है, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, आप जानते हो क्या। जो आप दूसरे को प्रश्न पूछते हो वो कभी आपने अपने आप से पूछा क्या, हु आर यू, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। यदि साइंस का अर्थ व्हाई पूछना है, ऊपर से गिरते हुए फल को देख करके यदि न्यूटन ने व्हाई नहीं पूछा होता तो साइंस नहीं होता, मतलब न्यूटन वाला नहीं होता, फल तो उससे पहले भी नीचे ही गिर रहे थे, न्यूटन के कहने से पहले भी गिर रहे थे, और उससे पहले पाराशर ने कह रखा है उसको, उसके कहने से भी गिर रहे थे, और उससे पहले कणाद नाम के ऋषि ने वैशेषिक सूक्त में वैसे के वैसे फॉर्मूले लिखे हुए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन,
संस्कृत में, वही शब्द बाहरी बल का प्रयोग न किया जाए तो ऊपर से नीचे गिरने वाली वस्तु पृथ्वी को स्पर्श होने तक नीचे गिरेगी, कणाद ने 2500 वर्ष पहले लिखा है। लेकिन उसने भी भाई पूछा होगा, उसका नाम ही कणाद इसलिए पहुंचा क्यों पढ़ा, क्योंकि उसने कणों का अभ्यास किया, जिसको आज आप नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसने कणों का अभ्यास किया इसलिए उस ऋषि का नाम कणाद है। कभी पढ़ना वैशेषिक सूक्त, ट्रांसलेशन के साथ मिल जाएंगे, archives.org नाम की यूएस की साइट पे मिलेंगे, भारत की भी बहुत सारी साइट्स है पर आपको अमेरिका की अच्छी लगेगी इसलिए वो बता दी मैंने, archives.org पे वैशेषिक सूक्त कणाद आप डाउनलोड करके पढ़ना, आपको न्यूटन से ज्यादा आसानी से फिजिक्स समझ में आ जाएगी। खैर, न्यूटन ने भाई नहीं पूछा होता तो साइंस नहीं होता। आपने अपने आप से भाई पूछा क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, व्हाई आर यू लिविंग, व्हाई डू यू लिव, आपके जीवन का रहस्य क्या है। और यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि आपने अपने आप से पूछा नहीं, दुनिया में कोई मनुष्य ऐसा नहीं हो सकता कि जिसने यह प्रश्न ना पूछा हो। लेकिन फिर अनेक मजबूरियां, करियर की इन फलानी इन ढिकानी, उसमें इस महत्वपूर्ण प्रश्न को धक्का दे देते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि युवा वो होता है जो बहुत ज्यादा आईना देखता है, शीशा देखता है, थोड़ी सी आयु बढ़ जाएगी तो उसके बाद देखने लायक कुछ बचता नहीं तो फिर नहीं देखता है। दिन में 10 बार आप शीशा देखते हो, अभी मोटरसाइकिल पार्क करने के बाद भी मोटरसाइकिल का घुमा करके मैं देखता हूं ना बहनों को, वो आतंकवादियों जैसा लपेट करके जाती है स्कूटी पे, जो ताली बजा रहे हैं ना भाई लोग, वो भी कम नहीं है, सारे भाई लोगों ने चुन्नी खरीद रखी है। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया चुन्नी का काम तो बहनों का है, ये भाइयों के पास क्यों है, पता चला मुंह ढकने के लिए। मैंने पूछा ऐसा काम करते ही क्यों हो कि मुंह दिखाना दूभर हो जाए, ऐसा काम करो कि गर्व से छाती चौड़ी करके मुंह दिखा सके, मुंह छिपाना क्यों पड़ता। खैर, तो वो मुंह लपेट करके आतंकवादी की जगह कहीं पहुंचे और उसके बाद में मेरे को आज तक समझ में नहीं आया ये ऑटोमोबाइल वाली कंपनियों ने ये जो दोनों तरफ लगा रखे वो पीछे वाली ट्रैफिक देखने के लिए लगाया है कि यह आतंकवादियों वाला बुरखा हटाने के बाद मेकअप चेक करने के लिए रखा है, उतरने के बाद देखा होगा, लास्ट काम आपने यही किया होगा घर से निकलने के बाद, क्या देखते हो शीशे में, व्हाट डू यू लुक एट, और उस शीशे में देख करके क्या प्रश्न पूछते हो, कभी सोचा इस पर, दिस इज साइंटिफिक आउटलुक। आपने कभी अपने आप से पूछा ही नहीं कि शीशे में देखता क्या हूं, शीशे में यही देखते हो ना सब ठीक ठाक है, यही तो देखते हो, ये बाहर का ठीक ठाक है देखने की जगह अंदर का देखने लगोगे तो शीशा देखना एक आध्यात्मिक कर्म हो जाएगा, शीशा देखना जीवन को बदल देगा क्योंकि शीशा आपसे प्रश्न पूछेगा, उस शीशे में से देखने वाली दो आंखें आपसे प्रश्न पूछेगी, हु आर यू, तुम हो कौन, किसलिए तुमने जन्म लिया, क्या है तुम्हारे जीवन का लक्ष्य, क्या है तुम्हारे जीवन का स्वप्न जिसके लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो, और वह स्वप्न जिसके जीवन में जागृत होता है उसका जीवन बदल जाता है, वो जीवन को देखने की दृष्टि बदल जाती है। फिर जगदीश चंद्र बसु को कोई अंग्रेज नहीं रोक पाए, जगदीश चंद्र बसु को पैसे की कड़की नहीं रोक पाई, एक पैसा नहीं था उनके पास, अंग्रेजों की लड़ाई में उन्होंने छोड़ दी थी सैलरी लेना, और तब आगे चल करके उनके प्रयोगों के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर ने त्रिपुरा के महाराज को पत्र लिखा तो उस समय उनको 10,000 रुपए की फेलोशिप त्रिपुरा के महाराज ने दी, जब आगे के प्रयोग साइनाइड वाले मेटल फटीक वाले वो कर सके। लेकिन जगदीश चंद्र बसु को पैसे की कमी नहीं रोक पाई, जगदीश चंद्र बसु को उनके वंश के रूप में किया गया वंशभेद नहीं रोक सका कि तुम काले हो और गोरों को ही अधिकार है, वो भी नहीं रोक सका, क्यों, क्योंकि जीवन का सपना तय था। मैं आपके सामने ये प्रश्न छोड़ने के लिए आया हूं, मैं कौन हूं, किसलिए पैदा हुआ, ये माइक है, मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूं, निर्जीव है इसमें जान नहीं, मतलब जगदीश चंद्र बसु का प्रयोग आपने आगे बढ़ा दिया होता तो मैं ये कह नहीं पाता, फिर मेटल में प्राण है ये सिद्ध हो गया होता, लेकिन आज आप इसको निर्जीव मानते हो, लेकिन इस माइक का पर्पज है, इट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ ए पर्पज, क्या है इस माइक का पर्पज, क्या है, आवाज को ग्रहण करना, बढ़ाने करके तो स्पीकर रखेगा, बढ़ाने का काम वो एम्पलीफायर करेंगे, ये तीनों मिलकर के पीए सिस्टम बनेगा, लेकिन ये ग्रहण करेगा, ये आवाज ग्रहण करता है तब तक इसका मूल्य है, तब तक इसकी वैल्यू है, टिल इट सर्व्स इट पर्पस,
जब तक ये अपने उद्देश्य को करता है। यदि किसी एक वायर का थोड़ा सा टांका निकल जाए अंदर में और ये आवाज ग्रहण करना बंद कर दे, तो आपके वो जो टेक्नीशियन बैठे इसको पकड़ करके कबाड़ में फेंक देंगे, बहुत सारे पड़े होंगे, क्योंकि बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। दे लूज देयर पर्पस, दे स्टॉप सर्विंग देयर पर्पस एंड इट विल लूज इट्स वैल्यू, जीरो वैल्यू, उसके बाद में इसकी कोई वैल्यू नहीं कबाड़ के अलावा। आपकी भी वैल्यू आपका पर्पस है, योर पर्पस ऑफ लाइफ विल गिव यू वैल्यू। इसलिए वैज्ञानिक जीवन दृष्टि दूसरों को पूछना नहीं, खुद को पूछना है। वाई पूछना, दुनिया में जो घटित हो रहा है उसको तो पूछना ही, लेकिन उससे पहले अपने आप से पूछना, वाई मी, मैं किस लिए आया। एक अद्वितीय कार्य को लेकर के आपका जन्म हुआ है। यू हैव कम विद अ पर्पस, योर लाइफ इज नॉट एन एक्सीडेंट। एक यूनिक पर्पस लेकर के आपका जन्म हुआ है, और उस यूनिक पर्पस को खोजने का नाम शिक्षा है, जो नहीं हो रहा आज शिक्षा में। शिक्षा का अर्थ ही है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर छिपी हुई उसकी अद्वितीयता का उसको परिचय कराना। दैट यूनिकनेस विच मेक्स यू व्हाट यू आर, आपका नाम आपका परिचय नहीं, आपकी वो विशेषता आपका परिचय है। और दुनिया में कोई दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, कोई सामान्य नहीं होता, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो आम हो, सारे के सारे खास है। आप में से प्रत्येक असामान्य है, अद्वितीय है। और आप यदि मेरी ये बात ना मानो तो मैं सिद्ध कर सकता हूं। मेरी माँ ने मुझे बचपन में सिखाया था कि सुबह उठते ही, आप में से भी कई घरों में अभी भी संस्कार बचे हैं तो वहां भी सिखाया होगा कि सुबह उठते ही अपने हाथों को देखना, ध्यान से अपने हथेलियों को देखना। श्लोक भी सिखाया था, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम। लालच दे दिया कि तुम्हारे कर के अग्र में, तुम्हारे उंगलियों के कोने पर लक्ष्मी का वास है, ध्यान से देखो सुबह उठते ही। अपने कर्म पर, पराक्रम पर विश्वास हो, इसलिए सुबह उठते ही हाथ देखने को शिक्षा दी। मुझे पता नहीं आपने ध्यान से देखे कि नहीं, अभी एक बार देख लो, अपने हथेलियों को देख लो, जरा सामने रख करके देखिए ना। प्रयोग करने से क्यों डरना, वैज्ञानिक होना, वाई संकोच क्यों है आपके मन में। देखा ध्यान से, और कोने पर देखना, वो बीच में सरस्वती, नीचे गोविंद, उनको छोड़ दो, लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, अग्र में देखना। इस उंगलियों के छोर पर क्या दिखता है, देखिए अपने उंगलियों को ध्यान से। मैं इसलिए आपको ध्यान से कहने के, देखने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आपको भी पता है, भगवान करे आपके घर में कभी ऐसा न हुआ हो, लेकिन टीवी के सड़ियल में आपने देखा ही होगा। नहीं, मेरे को अंग्रेजी बोलना नहीं आता, इसलिए नहीं सड़ियल बोला, मैंने अपनी शब्दावली बना रखी है। सत्य का वचन पालन करने का, सत्य बोलने का संकल्प लिया था, तब से अपनी शब्दावली बना ली। तो शब्दावली में मैं जो दिमाग सड़ाए उसको सड़ियल कहता हूं। सीरियल क्यों कहना, तो सड़ियल कहता हूं, दिमाग सड़ाने वाला सड़ियल। तो टीवी के सड़ियल में देखा होगा, कहीं पर कोई अपराध हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, पुलिस जाते ही सबसे पहले क्या इकट्ठा करती है, फिंगरप्रिंट्स इकट्ठा करती है। क्यों, वाई, अब देखो अपने फिंगरप्रिंट ध्यान से। ऐसा नमूना भगवान ने दूसरा नहीं बनाया दुनिया में। 7 अरब लोगों में ऐसे फिंगरप्रिंट केवल आपके हैं, जो आपके हैं। इवन योर बॉडी इज यूनिक। तो बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट का मिलाकर के आपका व्यक्तित्व कितना यूनिक होगा। ऐसा दूसरा मुकुल नहीं है दुनिया में। 7 अरब लोगों में यह नमूना एक ही है। और केवल 7 अरब नहीं, जो मर गए वो सारे, और जो अभी तक पैदा नहीं हुए उनमें भी कोई ऐसा नहीं था। एकमेवा द्वितीय, आप में से प्रत्येक एकमेवा द्वितीय है। नॉट ओनली इन स्ट्रक्चर, नॉट ओनली इन कंपोजिशन, केवल संरचना में ही नहीं, आपके पर्पज में भी यूनिक है। आपका कार्य यूनिक है, आपकी भूमिका यूनिक है, और उसको खोजना, वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर छिपे हुए बीज को खोजने का नाम एजुकेशन है। एंड वी हैव लॉस्ट दैट एजुकेशन, क्योंकि बचपन से इन इंद्रियों का उपयोग करना हमको सिखाया नहीं। आंखों से कैसे देखा जाता है, कानों से वास्तविकता में कैसे सुना जाता है, ये पंच ज्ञानेंद्रिया और पंच कर्मेंद्रिया, इनके ऊपर काम नहीं हुआ। मैं भाषा की बात कह रहा था कि एक भाषा हम क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि भाषा के विज्ञान को नहीं समझा। संस्कृत कोई एक भाषा नहीं है, संस्कृत इज साइंस ऑफ ओरेशन,
संस्कृति साइंस ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का शास्त्र है वो। आपका कंठ यहां से लेकर यहां तक आप बोल सकते हैं, एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी के अंदर की आवाज हम सुन सकते हैं मनुष्य के रूप में, उससे नीचे वाले सब सोनिक या उसके ऊपर वाले सुपर सोनिक हमारे कान सुन नहीं सकते। कुत्ता हमसे ज्यादा सुन लेता है, चमगादड़ बैट उससे ज्यादा सुनता है, क्योंकि उसकी रेंज अलग है। मनुष्य की रेंज कहां से डिफाइन होती है, किस फ्रीक्वेंसी में सुनेगा, उसकी रेंज डिफाइन होती है उसके स्वर यंत्र से। स्वर यंत्र का सबसे नीचे का हिस्सा, उंगली रखिए यहां पर एकदम नीचे थोरेक्स, यहां पर उंगली रखिए और यहां दबाइए मत, मर्म केंद्र है बाबा, गड़बड़ ब्लू वेल हो जाएगा यहीं पे। इसलिए यहां धीरे से उंगली रखिए और यहां से स्वर यंत्र से आवाज निकालिए। मैं नहीं बताऊंगा, मैं करूंगा तो आपको लगेगा आई एम गाइडिंग यू। आप खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए, क्या आवाज निकलती है, निकालिए निकालिए। ओके, अलावा कोई आवाज निकल ही नहीं सकती, निकाल के देख लो ही निकलेगी। जोर से निकालो एक बार। इसलिए दुनिया की प्रत्येक भाषा का पहला सिलेबल अ होता है। अंग्रेजों को उच्चारण नहीं आते इसलिए वो ए कह देते हैं, वैसे है तो अ ही वो। नहीं, मैं प्रश्न पूछता हूं हमेशा, ए क्यों बोलते हो भाई जब उसका उच्चारण अ कहते हो। यहां कोई अतुल बैठा होगा, कोई अनुज बैठा होगा, स्पेलिंग क्या करता है, ए टी यू एल करता है ना, तो उच्चारण अ करते हो और बोलने में ए बोलते हो। हमारे उत्तर प्रदेश के शिक्षकों ने बच्चों को कै कबूतर सिखा दिया, तो आजकल भी कै कबूतर खै खरगोश बोलने वाले लोग, मेरे को लगता है ये सब अंग्रेजों से आए होंगे जो अ को ए बोलते हैं। दुनिया की हर भाषा का पहला सिलेबल, रोमन का पहला सिलेबल अल्फा, उर्दू का अलिफ, भारत में संस्कृत और उससे निकली हुई सारी भाषाओं में तो अ है ही। क्यों? क्योंकि दैट इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे भारी आवाज जो मनुष्य का स्वर यंत्र निकाल सकता है। नाउ दिस इज द वे साइंटिफिकली वाणी का विकास हुआ था, भाषा का नहीं। भाषा अलग साइंस है। भाषा ध्वनि को जब आप चित्र के रूप में डिपिक्ट करते हैं उसको भाषा कहते हैं। जिस समय आप ध्वनि को जो सुना जाता है, आवाज को, शब्द को, साउंड को, आप जब प्रकाश के रूप में, जब उसको फॉर्म के रूप में, जब उसको रूप दे करके रिप्रेजेंट करते हैं, तब वो भाषा होती है। बोलने वाली को वाणी बोलते हैं। संस्कृत को वेदवाणी, देववाणी इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इज द मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। क्यों है? क्योंकि उन्होंने इस स्वर यंत्र का उपयोग किया। कंठ से निकलने वाले स्वर क ख ग घ, मूर्धना से, यहां से स्वर यंत्र का दूसरा भाग च छ ज झ। वर्णमाला सिखाने के लिए नहीं खड़ा हूं, वर्णमाला का साइंस सिखा रहा हूं। और सबसे बारीक फ्रीक्वेंसी, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो मनुष्य निकाल सकता है, होठ बंद करके, स्वर यंत्र का दूसरा छोर, होठ बंद करके आवाज निकालिए। कौन सी आवाज निकलती है? निकालिए एक बार, म प फ ब भ म, अंतिम व्यंजन वर्णमाला का म, होष्ठ व्यंजन। अ से लेकर म तक का खेल है, वो फ्रीक्वेंसी में काम चलता है। और बीच के स्वर यंत्र को गोल बना करके हवा छोड़िए, क्या निकलता है करके देखिए, करिए। सबसे अच्छी आपको प्रिय आवाज उल्लू वाली, हाँ। हॉस्टल में लाइट चली जाए तो यही आवाज निकलती है, अंधेरा होते ही उल्लू बोलते हैं। आप देखना कितना साइंटिफिक अपना बिहेवियर है, अंधेरा होते ही बोलते हैं सब लोग, बीच में ऊ, बाद में म, तीनों मिलाकर के ओम। ये विज्ञान है, ये भाषा का विज्ञान है। हमने कहां, हम उसको छोड़ करके बैठ गए, हम उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहे। और ये साधन है बाकी सारे ज्ञान का, और ये ओरिजिनल साधन ही वाणी की साधना नहीं हुई तो नॉलेज कहां से आएगा। इसलिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, एक अंतिम बिंदु बोल करके अपनी बात को खत्म करता हूं। वैसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, जीवन की वैज्ञानिक दृष्टि बनाने के लिए प्राण विद्या में जाना पड़ेगा। हमको जो ऊर्जा मिलती है वो कहां से मिलती है, हम बने किससे है, ये प्रश्न हमने अपने आप से पूछा नहीं। हम जो कुछ भी आज है वो सूर्य से बने हुए हैं। मैंने सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों किया, क्योंकि सूर्य ही विश्व की समस्त ऊर्जा का मूल स्रोत है, सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए भारत में लोगों ने कहा सूर्य के उगने से पहले खुद उग जाओ, क्योंकि उसी से एनर्जी मिलती है।
सूर्य के उगने से पहले उठने का नियम इसलिए बना ब्रह्म मुहूर्त पे, क्योंकि उसके पीछे का प्राण विज्ञान है। जो ये करेगा उसकी बैटरी कभी डाउन नहीं होगी। आप रात को 12 बजे मुझसे बात कीजिए, मैं इतना ही फ्रेश आपको दिखूंगा, क्योंकि भगवान सूर्य के साथ मेरा कनेक्शन जुड़ गया सूर्य नमस्कार के माध्यम से, क्योंकि वो प्राण का स्रोत है। सारी दुनिया में जो कुछ भी है वो सूर्य का ही बना हुआ है। पृथ्वी उसी से निकली ना, अलग टुकड़ा हुआ, वो भी तो सूर्य का ही हिस्सा है, और उसी में से हम बने हैं, तो हम भी सूर्य है। इसलिए वो सूर्य से कनेक्शन बना लेंगे तो हमारी ऊर्जा की स्थिति अलग बन जाएगी। खैर, वो विज्ञान आज समझाने के लिए मैं यहां पर नहीं आया हूं, मैं जीवन दृष्टि के बारे में बता रहा हूं। मैंने इसका उदाहरण पर्पसफुली दिया था, क्योंकि इसके उदाहरण से मैं आपको एक छोटा सा सूत्र देना चाहता हूं आपके जीवन का पर्पस खोजने के लिए, और वो सूत्र देकर के अपनी बात को बंद करूंगा। दुनिया में जितने महापुरुष है वो इसीलिए महापुरुष है कि उन्होंने अपने आप से प्रश्न पूछा, हु एम आई। एपीजे अब्दुल कलाम तो गए थे फाइटर पायलट बनने, सिलेक्ट नहीं हुए, फेल हो गए, ऋषिकेश में जाकर के आत्महत्या करने वाले थे, और उतने में स्वामी शिवानंद जी ने कंधे पर हाथ रखा, उनके अग्निपंख विंग्स ऑफ फायर यदि पड़ी होगी तो उसमें बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन किया है, गोल चेहरे वाला तेजस्वी आंखों वाला वो सन्यासी मेरे कंधे पर हाथ रखता है, मैं ऊपर जब उसकी आंखों में देखता हूं तो अलग तेज दिखाई देता है, मानो वो भेदती हुई आंखों से मेरे हृदय तक देख रहा है और मेरे से प्रश्न पूछता है, क्यों परेशान हो? मैं उत्तर दूं इससे पहले कहता है कि मत कहना कि परेशान न हो, तुम्हारी आंखें बता रही कि तुम जीवन मरण के प्रश्न से गुजर रहे हो। और फिर शिवानंद जी ने मंत्र दिया, एक दरवाजा बंद हो गया तो क्या हुआ, तुम्हारा जीवन का ये पर्पस होगा ही नहीं। तुम फाइटर पायलट बनने के लिए पैदा ही नहीं हुए हो, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य कुछ और है, उसे खोजो। एक दरवाजा बंद हुए तो क्या हुआ, हजारों दरवाजे खुलेंगे। अपने अंदर जाकर के खोजो कि जीवन में क्या करना है। उस दिन एपीजे अब्दुल कलाम को शिवानंद जी महाराज ने दी हुई भगवद गीता उनके जेब में जिंदगी भर रही, शिलोंग में अंतिम श्वास लेते समय भी वो भगवद गीता उनके जेब में थी। दुनिया में जितने महापुरुष है उन महापुरुषों की जीवनचर्या इस एक प्रश्न से बदली, मैं कौन हूं, किसलिए पैदा हुआ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। जिसने भी यह प्रश्न पूछा, आइंस्टाइन को पांचवी क्लास में निकाल दिया गणित नहीं आती करके, और उसने अपने आप से प्रश्न पूछा मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इसलिए आइंस्टाइन बना। सुभाष चंद्र बोस 13 साल की अवस्था में बोर्डिंग स्कूल में से मां को पत्र लिखते, 13 साल का सुभाष मां को पत्र लिखा है, मां तूने 9 महीने गर्भ में पाला पोसा बड़ा किया, दूध पिलाया, किसलिए, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, पिताजी चाहते हैं कि मैं बड़ा होकर के इंडियन सिविल सर्विसेज का आईसीएस का अफसर बनूं, अंग्रेजों की चाकरी करूं और परतंत्र भारत मां पर अत्याचार करूं, मां बता क्या तूने मुझे इसलिए जन्म दिया, क्या है मेरे जीवन का लक्ष्य। इतिहास को पता नहीं कि सुभाष के पत्र का मां ने क्या उत्तर दिया, लेकिन इतिहास को पता है कि इस प्रश्न ने सुभाष का जीवन बदल दिया। आज सुभाष चंद्र बोस विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय क्रांतिकारी इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने आप से प्रश्न पूछा मैं कौन हूं। मैंने आपको महापुरुष बनने का मंत्र दिया है, और मैं बहुत बेकार, मतलब जैसे वो हैकर होते ना या वायरस बनाने वाले लोग होते वैसा आदमी हूं, मैंने इन सबके दिमाग में कीड़ा डाल दिया। आज के बाद शीशा नहीं देख सकेंगे ढंग से, जब भी शीशा देखेंगे, जब भी आयना देखेंगे, जब भी दर्पण देखेंगे, उसमें से देखने वाली आंखें प्रश्न पूछेगी, कौन है तू, किसलिए पैदा हुआ, क्या है तेरे जीवन का लक्ष्य। नींद उड़ जाएगी, सो नहीं पाओगे जब तक ये प्रश्न अपने आप से पूछोगे। मदन लाल धिंगरा आपके जैसा ही गोरा चिट्टा था, बहुत बढ़िया घुंघराले बाल, और खूब मेकअप करता था, खूब फुसफुस करके सेंट लगाता था, लंदन में पढ़ता था, गोरी मेमों को पटाने का काम था, हट्टा खट्टा और मस्त नाचता था। उस समय तो ये आपके कान में लगे होते, वैसे MP3 तो थे नहीं, तो उस समय वो भूंगड़ा लेकर के, ग्रामोफोन लेकर के इधर उधर जाता था। एक दिन भूंगड़े पे गाना लगा हुआ है ग्रामोफोन पे और सब नाच रहे, और गलती से पहुंच गया भारत भवन के नीचे, ऊपर में स्वतंत्र वीर सावरकर क्रांतिकारियों की बैठक ले रहे और नीचे मदन लाल धिंगरा का तमाशा चल रहा है। नीचे की आवाज ऊपर तक गई, सावरकर ने गुस्सा होकर के वरद राजन नाम के दूसरे क्रांतिकारी को कहा, वरद जाओ देखो, ये अंग्रेज मेरी माँ को, भारत माँ को लूटते और यहां आकर के अय्याशी करते हैं। बालकनी से वरद राज ने नीचे झुक करके देखा, वापस जाकर के गर्दन नीचे झुका करके खड़ा रहा। सावरकर ने कहा, तू क्यों गर्दन झुका रहा है? तो उसने कहा कि कोई अंग्रेज नहीं, उन सबका लीडर तो हमारा भारतीय बच्चा है, भारतीय युवा है, और वो भारतीय युवा कुछ गोरे और कुछ भारतीय लोगों को लेकर के नाच रहा है। सावरकर लकड़ी की सीढ़ी से नीचे उतरे और उस ग्रामोफोन की सुई को हटाया, गाना बंद हुआ, सारे मदन लाल धिंगरा के मित्र स्तब्ध हुए। सावरकर की कृशकाय शरीर, पापड़ तोड़ पहलवान जैसी शरीर यष्टि को देख करके लगा
और मदन लाल धंगरा तो अट्टा कट्टा पहलवान, दंगल करने वाला पंजाब में, और वो तो उसका गुस्सा बड़ा प्रसिद्ध था। एक बार कीजिए, अंग्रेज प्रोफेसर ने लंदन यूनिवर्सिटी में उसको कह दिया, यू ब्लैक यू शट अप, और ये उठ करके अपने बेंच पे से कूदा, उस प्रोफेसर को पटकनी थी, उसके नाक पे एक मुक्का जड़ा, नाक से खून का फव्वारा निकला, मदन लाल भी खून से रंगा और प्रोफेसर भी। मदन लाल प्रोफेसर का कहता है, नाउ आई एम नॉट ब्लैक, यू आर नॉट व्हाइट, बोथ आर रेड। ऐसा मदन लाल धिंगरा। लोगों को लगा अब सावरकर की कुछ नहीं होगी, लेकिन सावरकर की जलती आंखों ने मदन लाल धिंगरा की आंखों में आंखें डाल करके प्रश्न पूछा, क्या इसीलिए तेरी मां ने दूध पिलाया था? वहां भारत मां का जनाजा निकला है, परतंत्र राष्ट्र है, गुलामी में भारत मां तप रही, और तुम यहां पर तमाशे कर रहे हो? क्या तुम्हारे माता पिता ने इसीलिए यहां पढ़ने के लिए भेजा है? मदन लाल धिंगरा गर्दन नीची करके चला गया। 3 दिन बाद सावरकर के पास लौटा और कहा, मुझे भी क्रांति के पथ पर ले लो। सावरकर ने कहा, तुम्हारे जैसा अय्याश तुम क्या करोगे क्रांति के पथ पे? यहां तो बड़े मजबूत दम वाला व्यक्ति चाहिए। मदन लाल धिंगरा ने हर परीक्षा देने की तैयारी दिखाई, जलती मोमबत्ती के ऊपर हाथ रख करके जलने तक के हाथ नहीं हटाना, निष्कंप रखना बिना कपकपी के, वो परीक्षा देकर के क्रांति के पथ पर आया। सावरकर ने मदन लाल को पूछा, क्या हो गया? सावरकर को मदन लाल ने उत्तर दिया, आपकी जलती आंखों ने पूछा प्रश्न, मुझे सोने नहीं दिया, 3 रात सोया नहीं और अपने आप से प्रश्न पूछता रहा कि मेरा जीवन किस लिए, क्या करने के लिए मैंने जन्म लिया है। 17 अगस्त 1911 को लंदन की जेल में मदन लाल धिंगरा को फांसी दी गई। एक दिन पहले जब अंतिम इच्छा पूछी तो मदन लाल धिंगरा ने उस अंग्रेज वार्डन को कहा, एक कंघी सुगंधित तेल और शीशा ला करके दो। वार्डन ने पूछा, कल फांसी है और आज श्रृंगार करके क्या करोगे? मदन लाल धिंगरा ने उत्तर दिया, मरते तो तुम लोग हो और जाकर के कब्र में दफना दिए जाते हो, मैं तो अभी गया और अभी किसी और मां की कोख से भारत माता की सेवा करने के लिए फिर पैदा हो जाऊंगा। फांसी तो मेरे लिए दुल्हन है और दुल्हन के सामने ये तुम्हारे लंदन के जेल की जुए लेकर के जाऊंगा, इसलिए कंघी ला करके दो, जरा बाल साफ करूं, सच सवर लूं, फिर फांसी चढ़ूंगा। जीवन का लक्ष्य मिल गया, वही मदन लाल धिंगरा जो अय्याशी करने के लिए लंदन गया था। राय बहादुर का बेटा हराम की कमाई से गया था, लेकिन उस मदन लाल का जीवन बदल गया, एक प्रश्न ने जीवन बदला। और बाद में जब सावरकर उससे मिलने गए, मृत्यु से फांसी से 15 दिन पहले सावरकर जेल में मिलने गए मदन लाल धिंगरा को, और मदन लाल धिंगरा सावरकर को प्रश्न पूछता है, मेरी आंखों में तुम्हें मृत्यु का भय तो नहीं दिखाई दे रहा? और सावरकर उत्तर देते हैं, मदन तुम्हारी आंखों में मुझे स्थित प्रज्ञ भगवद गीता के योगेश्वर कृष्ण के स्थित प्रज्ञ भाव दिखाई दे रहे। जीवन में कभी एक श्लोक न पढ़ने वाला, कभी गुरुद्वारे नहीं गया, कभी मंदिर नहीं गया, किसी भगवान को नहीं माना, वह मदन लाल धिंगरा भगवान कृष्ण के समतुल्य हो गया, क्योंकि उसको जीवन का लक्ष्य मिल गया कि मेरा जीवन भारत माता के लिए है। जिसको जीवन का लक्ष्य मिलता है वो महान बनता है। मैं आपके सामने ये जीवन दृष्टि छोड़ करके जाना चाहता हूं। अंतिम एक क्लू देकर के जा रहा हूं, एक सूत्र देकर के जा रहा हूं। मैंने ये उदाहरण दिया था, ये माइक आवाज ग्रहण करता है, ये इसका पर्पज है, लेकिन ये किसकी आवाज ग्रहण करता है? ये वक्ता की आवाज ग्रहण करता है, इसकी अपनी खुद की कोई आवाज नहीं। यदि गलती से इसकी खुद की गुर्र आवाज शुरू हो जाए, विसल बजाना शुरू कर दे, न्यूसेंस नॉइस आ जाए इसका, वो टेक्नीशियन उठा करके फेंक देंगे, सेल्फिश होते ही इसकी वैल्यू खत्म। जब तक ये दूसरे की आवाज ग्रहण कर रहा है तब तक इसकी वैल्यू है। मनुष्य होते हुए यदि खुद के लिए जिए तो क्या जिए? सड़क पर घूमने वाला कुत्ता ट्रक के नीचे कुचल करके मर जाता है, भूखा नहीं मरता, पेट तो वो भी भर लेता है। मनुष्य होकर के केवल पेट भरने के लिए, और हम में से अधिकतर को तो पेट भरने की चिंता नहीं है, हमने सपने यदि जेब भरने के लिए ले रखे हो जीवन में, यदि जेब भरने के लिए जिए तो क्या जिए? इसलिए जीवन का लक्ष्य खोजना है तो यह खोजना कि मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मैं दुनिया को क्या दूंगा, मैं समाज को क्या दूंगा, मैं परिवार को क्या दूंगा, मैं देश को क्या दूंगा। केनेडी ने पूछा था, डोंट आस्क व्हाट अमेरिका शैल गिव यू, आस्क व्हाट यू शैल गिव अमेरिका। और 63 में मंदी की मार झेल रहा अमेरिका, 6 साल के अंदर मैन ऑन मून का प्रोजेक्ट लेकर के पूरा परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि अमेरिका के यूनिवर्सिटीज को केनेडी ने कहा, अमेरिका के लिए रिसर्च करो, खुद के लिए नहीं।
खुद के एपीआई के पॉइंट्स बढ़ाने के लिए मत लिखो रिसर्च पेपर, लिखना है तो देश के लिए लिखो, दैट इज रिसर्च फॉर रिसर्जेंस। केनेडी के एक आह्वान पे 6 साल अमेरिका खड़ा हो गया, आज टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर है, आर्थिक में तो डूब गया लेकिन टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर आज भी है। क्यों? क्योंकि सारा देश देशभक्ति से भरा हुआ है, एक बात के कारण अमेरिका आज जीवित है, पेट्रियोटिज्म, क्योंकि उनके एजुकेशन सिस्टम में कूट कूट करके भर दिया जाता है कि तुम तुम्हारे देश के लिए हो। इसलिए यह उदाहरण मैंने दिया, आपको अपने जीवन का लक्ष्य खोजना है तो मैं क्या बनूंगा को मत खोजो, मैं क्या दूंगा को खोजो। वेयर आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट द बेस्ट, विच इज द फील्ड, विच इज द एरिया, विच इज द फंक्शन, विच इज द एक्ट इन विच आई कैन गिव बेस्ट ऑफ मी, मेरा मैं सर्वोत्तम किस काम में दे सकता हूं, वो मेरे जीवन का ध्येय है, वो मेरे जीवन का लक्ष्य है। वो जिस दिन जाग जाए, आपके अंदर का सोया हुआ हनुमान भी जग जाएगा। मैं आपके आंखों में वो सपने देख रहा हूं, मैं आपके हृदय की धड़कनों को यहां बैठ करके, यहां खड़े होकर के अनुभव कर पा रहा हूं कि ये दिल मातृभूमि के लिए धड़कने के लिए तैयार है। इस अद्वितीयता को याद रखना, भूल जाओ तो अपने हाथों को देख लेना एक बार ध्यान से, कैसे फिंगरप्रिंट दुनिया में किसी के नहीं, आप यूनिक हो, एक काम करने के लिए पैदा हुए हो, उस काम को खोज लेना, और वो काम किसी और को आप क्या दोगे इसका होगा। समाज को दया क्या दोगे, विज्ञान को दया क्या दोगे, दुनिया को क्या दोगे, मानवता को क्या दोगे, प्रकृति को क्या दोगे, अपने से बढ़कर के बाहर क्या दोगे, यही जीवन का लक्ष्य हो सकता है। आइए अपने जीवन के लक्ष्य को खोजे, बाहर भाई 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 पूछने की जगह अंदर पूछने लगे, अपने आप से पूछे कि मैं कौन हूं, किसने पैदा हुआ। जय हिंद, जय भारत।